प्रेजेंटर श्रद्धांजलि चषक। चलिए पहला ओवर लेकर गेंदबाज सज्ज होते हुए जय अपने बॉलिंग ट्रैक पर सामना करने के लिए तैयार। केतन वेरी फर्स्ट बॉल आड़े बैट से खेलने की कोशिश, एक रन के लिए निकले हैं, नजदीकी मामला हो सकता है लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। तालमेल थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ नजर आया था, केतन जरूर यहां पर गेंद को समझ नहीं पाए थे और रनों के लिए नहीं निकलना चाह रहे थे, लेकिन नंदू का कॉल था 22 के रूप में, लेग 22 के रूप में एक रन के साथ अकाउंट ओपन होता हुआ इस वक्त टीम भव्य 11 वाग्विल। बड़ी टीमों में से एक टीम मानी जाती है वाग्विल, के जब वाग दहाड़ते हैं तो रनों का पहाड़ खड़ा करते हैं, इस तरीके की ये टीम। लेकिन इनका मुकाबला है एसडी स्पोर्ट्स केवनी दीवा, ये भिवंडी की नामी ग्रामी टीमों में से शुमार होने वाली एक टीम। नंदू पाटिल जिद्दी क्रिकेटर, फाइटर क्रिकेटर, एक रनों की मशीन, वाग्विल का वाग ऑन स्ट्राइक। इसी बीच ये पहली गेंद फेस करेंगे, आड़े बैट से खेलने की कोशिश की, गेंद शरीर से जा टकराई या फिर इनर एज लगा है ये देखने वाली बात रहेगी जरूरी। यस लेग बाइस के रूप में एक रन मिलता हुआ, सिंगल रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। गेंद को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जिस तरीके से अगर देखा जाए केतन ने पहली बॉल फेस की तो उन्हें गेंद समझ नहीं आई, दूसरी बॉल नंदू ने जरूर फेस की फिर भी गेंद बल्ले पर नहीं आई और एक रन, दोनों ने एक एक रन जरूर चुराया है लेग बाइस के रूप में। दो रन स्कोर कार्ड पर दर्शाता हुआ स्कोर जय, गेंदबाजी की कमान पर सज्ज होंगे फिर से एक बार अपनी टीम की ओर से पहला पावर प्ले का ओवर लेकर। दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात, इसी बीच ये गेंद इस बार प्रहार किया है, गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। बिग हिट ये वही स्टार खिलाड़ी हैं जिन्होंने तलोजा नाइट में 6 गेंदों में 6 सिक्स जड़े एक रिकॉर्ड कायम किया, वो स्टार खिलाड़ी आते ही साथ अपना परिचय सिक्स के साथ देता हुआ नजर आया। पहली गेंद पर रन जरूर आया था लेग बाइस के रूप में, अकाउंट नहीं ओपन हुआ था, लेकिन जब खाता खोला है तो बड़े के साथ, यस 6 रन के साथ यहां पर अकाउंट अपना ओपन जरूर किया है। इस बार कट किया था, एक रन के लिए निकले सिंगल रन। क्या बात है, एमसीसी स्पोर्ट्स के जितने भी टूर्नामेंट्स हुए एक रिकॉर्ड अनी यहां पर केतन के नाम रहेगा कि उन्होंने 6 बॉल में 6 सिक्स इस प्रतियोगिता में भी जड़े और वो रिकॉर्ड अब तक की किसी ने ब्रेक नहीं किया, वहां तक कि कोई पहुंचा भी नहीं मेरे ख्याल से। ओला के अगेंस्ट 6 बॉल 6 सिक्स का कीर्तिमान अगर किसी के नाम है तो वो है केतन पाटिल। ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर गेंद को रखा था और एक रन लेने में कामयाबी मिलती हुई। अपील की गई, सवाल जरूर पूछा गया था अंपायर से लेकिन अंपायर पे कोई खासा असर नजर नहीं आया और गेंद इस वक्त एक रन के लिए जरूर निकलती हुई। सिंगल रन लेग 22 के रूप में अब तक के 3 रन आ चुकी हैं, 3 गेंदों पर ये 3 रन। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे, सज्ज होंगे अपने बॉलिंग ट्रैक पर फिर से एक बार गेंदबाज जय। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, प्रहार किया है गेंदबाज पे, अत्याचार किया है, गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार किया है, 6 रनों के लिए फरार किया है। व्हाट अ हिट, क्या बात है।
भी विकेट गवाए। बबलिया जहां कहीं पे भी हो प्लीज कमेंट्री बॉक्स पे आना है आपको। यस, एक ओवर, पहली ओवर में 16 रन जड़ दिए जिसमें शानदार दो सिक्स देखने मिले केतन पाटिल के बल्ले से। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी बिल्कुल। अगर ये खिलाड़ी ऑन हो गया तो फिर रनों का पहाड़ खड़ा करने में जरा भी समय नहीं लगाएगा। नाम है केतन, याद रखिएगा, जिसके नाम दो रिकॉर्ड हैं, 6 बॉल 6 सिक्स के, लगातार 6 गेंदों में 6 सिक्स। तलोजा नाइट सबसे गर्दी वाली टूर्नामेंट है जहां पर दर्शक टूट पड़ते हैं। दिगोड़े टीम के अगेंस्ट 6 गेंदों में 6 सिक्स जरूर जड़े हैं, एमसीसी में भी रिकॉर्ड है, क्या बात है। ये खिलाड़ी ही जाता है जहां पर अपने नाम की चर्चा जरूर कराता है, उस टाइप का ये खिलाड़ी। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए हल्के हाथों से गेंद को डाला था, जरूर गेंद आती हुई डीप इन विकेट बाउंड्री की तरफ। ओहो, खराब फील्डिंग, 4 रन। खराब फील्डिंग। एक्विरा एरोली टीम भी आ चुकी है, उनके सभी खिलाड़ियों का वेलकम है युगा भाव एमसीसी श्रद्धांजलि ट्रॉफी में। इस बार टॉपेज लगा है, गेंद हवा में है लेकिन नो मैन्स लैंड पे गेंद गिरेगी। 1 रन यहां पर कंप्लीट किया है नंदू पाटिल, एक परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक शानदार परफॉर्मेंस करने वाला ये खिलाड़ी। लेकिन गेंदबाजी की कमान पर देखिए किससे बुलाया गया, सागर। वेरिएशन है, क्वालिटी है, वैरायटी है इस गेंदबाज के पास। बैट्समैन को रीड कर गेंदबाजी ही जरूर करने में ये मशहूर गेंदबाज सागर। विकेटों का सही तरीके से यूज करना आता है इस गेंदबाज को। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली जरूर देखने मिलती हुई, पावर प्ले का बंधन जारी है, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, 1 डीप मिड विकेट पर, 1 लॉन्ग ऑन और 1 खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ। सामना करने के लिए तैयार विस्फोटक बल्लेबाज, रनों की मशीन केतन पाटिल। इस बार आड़े बैट से खेला है, गेंद जाती हुई मिड विकेट रीजन में, खराब फील्डिंग और जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता विकेटों के बीच में 2 रनों के लिए लगी दौड़, थ्रो थोड़ा सा वाइड आता हुआ। हाना के इशारे, हाना के इशारे, यस, रन लेना है नहीं लेना है ये मन नहीं बना पाए और अंतिम और आखिरी वक्त पर इनके इरादे पूरी तरीके से उभर कर आए, यानी 2 रन से ही होना पड़ेगा संतुष्ट। इस 2 रन के साथ स्कोर में थोड़ी सी तब्दीली, स्कोर जा पहुंचा है 23-23 रनों पर स्कोर कार्ड इस वक्त दर्शाता हुआ। भव्य 11 वाग्विल की बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है, 1-2-9 तलक के इनके पास बैटर्स की लिस्ट। इस बार बिग हिट पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल, 6 रन के लिए। यस, दर्शकों के लिए प्राइज मनी है 200 रुपीज अगर आप हाइवा कैच पकड़ दें, अगर एक हाथ से पकड़ दें तो 500 रुपए, और कल के दिन ये प्राइज मनी जरूर बढ़ेगी, ये कमेटी से हम उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि कल का दिन इस प्रतियोगिता का मेगा फाइनल डे। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए फिर से एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश करना चाह रहे थे, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, अच्छा कमबैक। सागर की अगर बात करें तो अब तक के थोड़ा सा महंगा ओवर रहा, इस 5 गेंदों का अगर किस्सा सुनाया जाए तो 5 गेंदों में लगभग 13 रन खर्च किए हैं। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए पटकी हुई गेंद थी, प्रहार किया है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक था, कैच हुआ है ड्रॉप, स्ट्रोक करके खड़े रहे जगह पर। यस, स्ट्रोक करने के बाद आपको दौड़ना भी होता है, यहां पर खड़े खड़े इस स्ट्रोक का आनंद लेते हुए नजर आए, अंपायर की तरफ आशा भरी निगाहों से देखा लेकिन कोई असर नहीं। गेंद रही इस वक्त 1 रन के लिए कन्वर्ट होती हुई नजर आई, ओवर की हुई है समाप्ति, कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या दर्शाती हुई भव्य 11 वाग्विल टीम की इस वक्त 30 रन।
सूचना दी जा रही है 25 मिनट, 25 मिनट में आपको एक इनिंग की अपनी समाप्ति करनी है। नियम के बारे में आपको सूचित किया जाता है, बॉल अगर फूट जाता है तो प्लेइंग बॉल माना जाएगा, जो भी घटना घटेगी वो स्वीकारी जाएगी उस गेंद पर। साथ ही साथ मंकड़ विकेट अलाउड नहीं है, टाइम लिमिट 25 मिनट्स है, 20 मिनट में 4 ओवर करने हैं कंपलसरी। अगर आपने 20 मिनट में 4 ओवर यहां पर कंप्लीट नहीं किए तो फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रूल के मुताबिक एक खिलाड़ी को 38 सर्कल में बुलाना पड़ेगा। आई होप ये रूल्स आप समझ चुके हैं। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। पहली गेंद डिलीवर होने से पहले आपका 12वां खिलाड़ी हमारे कॉमेंट्री बॉक्स में रहना जरूरी। ये नियमों का आप पालन करेंगे, आई होप इन नियमों का आपने पालन नहीं किया तो हमारी कमेटी काफी कड़क आप पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। सागर भोईर का स्वागत। देखिए आहा, ये गेंद जाती हुई डेढ़ ग्राउंड पार, खनखनीत षटकार, 6 रन। क्या बात है, जो बच्चे ने कैच पकड़ा है आना है आपके लिए 200 रुपीज कैश प्राइज है। दर्शकों के लिए ये ऑफर ऑन है। मनीश्री नीलकंठ जी भोईर साहब, आपला मनापासून हार्दिक स्वागत योगाभाव MCC स्पोर्ट्स प्रेझेंट श्रद्धांजली चषक मध्ये। वेलकम नाना, आपला मनापासून हार्दिक स्वागत। नेक्स्ट बॉल, इस बार ये देखिए, ये बड़ी मछली जाल में फंसी है, झींगा देकर रावस किया है। पहली गेंद पे 6 का आया लेकिन दूसरी गेंद पर विकेट का किया है पतंग। मनी जो है गूगल पे नंबर बाबू तुझा कड़े गूगल पे आएगा। क्या बात है, 200 रुपए कैश प्राइज। गणेश जी मनीरा साहब, अपना पर मनापासून हार्दिक स्वागत। DR चषक के लॉट डालने के लिए आए हैं मेरे ख्याल से गणेश जी मनीरा साहब। DR, यस, दीपक रमा मात्रे साहब के जन्मदिन के अवसर पर रखी जाने वाली एक बिगेस्ट टूर्नामेंट वाघबिल के ग्राउंड पर आपको देखने मिलेगी। 31 तारीख से ये टूर्नामेंट, 31 जनवरी से ये टूर्नामेंट ऑन होगी और 4 फरवरी को ये टूर्नामेंट फिनिश होगी, क्योंकि 4 तारीख को हमारे सबके चाहते हमारे नाना मान्य श्री दीपक रमा मात्रे साहब का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के अवसर पर ही ये प्रतियोगिता होती है समाप्त। क्रिकेट का वाघबिल का एक फेस्टिवल कहा जा सकता है, एक बड़ा फेस्टिवल, उसके ही लॉट के लिए यहां पर उपस्थित हो चुके हैं हमारे साथ गणेश मनेरा साहेब। चलिए, न्यू बैटर आए हैं, रन कम, 2 रन दौड़कर पूरे किए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। पंकज गोलने के नाम भी काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं इसी ग्राउंड पर, लगभग 250, और कालिका माता के जो ग्राउंड है उस पर भी लगभग 200 से 350 का रिकॉर्ड है इनके नाम। दस गेंदों में 28 रन की पारी खेलने वाला खिलाड़ी बिल्कुल आउट होकर पवेलियन की ओर लौटे हैं। केतन टॉप पे, यहां पर क्या एज लगी है नहीं लगी है, ये सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। यहां पर जरूर अपील की गई है, यस, नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार। यहां पर देखिए, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, पंकज गोंदले जैसे एक स्टार खिलाड़ी महज 2 रन बनाकर पवेलियन की राह लौटते हुए लगता हुआ इस वक्त भव्य 11 वाघबिल को बड़ा बड़ा, यस, बड़ा वाला झटका।
यस, विकेट का हुआ है पतंग। अब आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर, डेंजर विस्फोटक बल्लेबाज, कम समय में ज्यादा नाम कमाने वाला ये खिलाड़ी, स्टार ऑफ वाकबिल भाया पाडेल। भव्य इलेवन का ये रूबी डायमंड, यस, सबसे महंगा हीरा इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर। ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, कैच हुआ है मेरे ख्याल से, ड्रॉप अपील की गई है, डायरेक्ट हिट लगा है, लेकिन एक रन यहां पर कंप्लीट किया है। भाया की विकेट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज इन्होंने जरूर प्रूफ की है। मिस फील्डिंग एसडी स्पोर्ट्स ने जो मिस फील्डिंग की है, ये जो कैच हुआ है ड्रॉप, वो भारी पड़ेगा। भाया जैसे एक स्टार खिलाड़ी का कैच, वो भी वेरी फर्स्ट बॉल, अकाउंट में नहीं ओपन हुआ था। ओवर की हुई है समाप्ति, इस ओवर में सागर भोईर ने खर्च किए हैं 9 रन, लेकिन 2 विकेटें चटकाने में कामयाब रहे। 3 ओवरों का खेल हुआ है समाप्त। स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो स्कोर 39 रन। विकेटों की अगर बात करें तो 2 विकेटों के नुकसान के बाद। फिर आने वाले वक्त में मार्च के महीने में एक और बिगेस्ट टूर्नामेंट, कासर वड़ौली की जत्रा, ट्रिपल एस डीजे प्रेजेंट, नरीश स्पोर्ट्स प्रेजेंट, यस, नरीश स्मृति चषक पार्ट 2। एक ही साल में 2 बार आया तो पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देखा जनवरी में, अब पार्ट 2 देखिएगा मार्च में। सीजन रहेगा 7वां या 8वां, लेकिन पार्ट 2 रहेगा एक ही साल में, 1 महीने के बाद 2 बार। हो सकता है फिर 1 महीने बाद दिसंबर में एक बार फिर से, यानी 1 साल में 3 पार्ट रिलीज होंगे। यस सर। हेलो हेलो चेक, हेलो, यस सर। व्हाइट बॉल, अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होगा। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे गेंदबाज अपने बॉलिंग लाइन पर। सद्दू फ्लिक किया है, गेंद जाती हुई इस वक्त डीप काउ कॉर्नर रीजन में। 1 रन मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब देखना, ये सेकेंड ओवर के लिए अब तक कि किसी का इस्तेमाल नहीं किया गया। जय नो डाउट 16 रन खर्च किए, सागर पाटिल ने, 14 रन खर्च किए। उसके बाद सागर भोईर, ये जो गेंदबाज है, इन्होंने 2 विकेटें चटकी और 9 रन खर्च किए। तो शायद हो सकता है कि लास्ट ओवर में इनका ही इस्तेमाल किया जाए, या फिर कुछ चेंजेस देखने मिलेगा। नेक्स्ट बॉल, इस बार नंदू पाटिल ऑन फायर, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ नंदू के बल्ले से खंडखंडित षटकार, 6 रन। इस बार अपील की गई है, अपील को नकारा है। यस, बैट जरूर जमीन पर लगता हुआ नजर आया और गेंद रही डॉट के रूप में। नेक्स्ट बॉल, पॉइंट रीजन में कट किया था इस गेंद को, सिंगल रन, सिंगल रन से ज्यादा कुछ नहीं। 1 6 आया है जरूर। स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं,
48 रन स्कोर कार्ड पर। अब तक के भव्य 11 वाग्बी जो टीम है उसका स्कोर सही चल रहा है, सही सलामत चल रहा है। वेलकम हिमकान पाटिल, अब उड़ेगा लॉट। पहले ही संदेश मिला था, सूचना आई थी कि सबर करना है, हिमकान आने के बाद ही हम यहाँ पर 32 टीमों के लॉट ओपन लॉट डालेंगे जरूर डीआर चषक के। ये अच्छी गेंद थी, हेलीकॉप्टर उड़ाया है, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन रीजन में, सिंगल रन मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस सिंगल के साथ रनों की रन संख्या में थोड़ी सी बढ़त देखने मिलती हुई 49 रन। स्कोर 49 रन। यस, सद्दू की एक गेंद अभी भी आना शेष है, अभी भी आना बाकी है। स्कोर 49 रनों पर दर्शाता हुआ। बल्लेबाजी की कमान पर है इस वक्त डेंजर बैट्समैन। यस, ये खिलाड़ी का बल्ला अगर चला तो टीम की बल्ले बल्ले, क्योंकि नंदू लंबे हिट के धनी है। इनके बल्ले से एक बड़ा हिट जरूर देखने मिला है सिक्स के रूप में। इस बार देखिए स्लॉट में गेंद थी, खेल दिया है, गेंद जाती हुई पार्किंग लॉट में 6 रन के लिए। व्हाट अ हिट, नंदू पाटिल ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इस 6 के साथ 50 रनों का जादुई आंकड़ा क्रॉस करती हुई टीम भाया 11 वाग्बिल 55 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। का खेल बाकी है, 6 गेंदें बची हुई हैं। अब देखना यह है 6 गेंदों में कितने ज्यादा रन बनते हैं, क्योंकि स्कोर अब तक के दर्शाता हुआ 55 रन। अगर इस ओवर में 10 से 15 रन आ गए तो एक बड़ा विशालकाय टारगेट सेट कर सकती है टीम। जरूर जरूर भव्य 11 वाग्बिल, भाया ऑन स्ट्राइक, भाया पाटिल डेंजर बैट्समैन, लेकिन अब तक के खुलकर बल्लेबाजी नहीं की है, 3 सिंगल बना चुके हैं, वेट है। अब देखते हैं, सब्र कर रहे हैं, रेंज में गेंद नहीं आई थी, गेंद डिक्लेयर जोन में कन्वर्ट होगी, एक रन मिलेगा जरूर, एक रन से ही होना पड़ेगा संतुष्ट। ट्रिपल एस टीजे बहुत ही बढ़िया तरीके से इस ग्राउंड को लुक दिया है, पहचान दी है, शानदार डेकोरेशन टीम ट्रिपल एस टीजे योगा भाव एमसीसी स्पोर्ट्स प्रेजेंट श्रद्धांजलि चषक में काफी बड़ा योगदान ट्रिपल एस टीजे। काफी सुंदर सा डीजे, फ्लाइंग डीजे, क्या बात है, क्या बात है भाऊजी, धन्यवाद। नेक्स्ट बॉल, इस बार गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया था, गेंद रही डॉट के रूप में। यस, अंपायर डिसीजन वाइट बॉल। यस, वाइट बॉल जरूर देखने मिलता हुआ। अतिरिक्त रनों में एक रन जुड़ेगा, सागर भोईर को लाया गया है इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर। टीम के लिए लेकर आए हैं इस वक्त लास्ट ओवर। इस बार देखिए एक और डेंजर गेंद दिशा से चूकते हुए नजर आए, अंपायर डिसीजन वंस अगेन वाइट। बैक टू बैक 2 गेंदे वाइट कर चुके हैं, लगातार 2 गेंदे वाइट यहां पर जरूर देखने मिलती हुई। भाया स्ट्राइक पर है अभी भी, भाया पाटिल
तलाश में है, बड़े स्ट्रोक की खोज में है, और बिल्कुल अब देखना यह है, खोज जारी है, सफलता मिलेगी या फिर कुछ और दृश्य होगा। इस बार देखिए वेरिएशन किया था और उसका फायदा मिला है, बिल्कुल ऑफ कटर गेंद थी, बल्लेबाज बीट करते हुए एज लगता हुआ, और यहां पर खूबसूरत कैच, खूबसूरत कैच, विकेट का हुआ है पतंग, भाया पाटिल इज गॉन। विकेट का पतंग हुआ है, न्यू बैटर गए हैं। हुई इस ग्राउंड में, और बिल्कुल क्रिकेट का खूबसूरत सा आनंद दर्शक लेते हुए। बूम बूम मार्या, आते ही साथ बैट का फेस ओपन किया था, एक रन के लिए निकले हैं, एक रन कंप्लीट। देवत पाटिल न्यू बैटर के रूप में आए हैं, यस लेग वाइज के रूप में सिंगल रन कंप्लीट किया है। नंदू पाटिल नो डाउट ओपनर, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं और अपनी टीम के लिए अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। 40 प्लस के खिलाड़ी हैं, ना इन्होंने ग्राउंड में पानी मंगाया, इनकी फिटनेस पर ध्यान दीजिए आप। ये होते हैं 40 प्लस क्रिकेट लवर, ये क्रिकेट के लिए तन मन धन तीनों चीजों का त्याग करते हैं, ऐसे होते हैं ये क्रिकेटर्स। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में है और नंदू पाटिल की इनिंग की हुई है इस वक्त समाप्ति। लेकिन नंदू पाटिल ने नो डाउट बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी की, अपनी टीम के लिए बनाए 18 रन, और 18 रन बनाकर पवेलियन की राह इस वक्त लौटता हुआ ये खिलाड़ी भाया भव्य 11 वाकबिल का स्टार। न्यू बैटर मनोज पाटिल, यस मनोज नो डाउट एक परफेक्ट ऑलराउंडर का रोल प्ले करते हैं अपनी टीम वाकबिल में। वाकबिल का एक और वाग ऑन स्ट्राइक, लेकिन सागर भोईर की तारीफ करनी होगी, अच्छी गेंदबाजी। इस बार खेला है गेंद को डीप मिड विकेट रीजन में, सिंगल रन कंप्लीट, और यहां पर देखिए ऐसा लगा कि हमने डिस्कवरी चैनल ऑन किया और उस पर दो शेरों को दौड़ते हुए देखा, विकेटों के बीच में कुछ उसी तरीके से दौड़ लगी और यहां पर दो रन कंप्लीट किए, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल हट्टे कट्टे शरीर के हैं, लेकिन यहां पर दौड़ने में कोई भी चूक नहीं की और दो रन चुरा लिए। इस दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 स्कोर कार्ड पर। नेक्स्ट बॉल फुल एंड गेंद थी, एज लगा है, एक रन के लिए निकले हैं, सिंगल रन कंप्लीट किया है, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। चलिए 5 ओवरों का कोटा हुआ है समाप्त, पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम भव्य 11 वाकबिल, टीम ने बनाए हैं 62 रन, टारगेट रखा गया है 63 रनों का। अब ये 63 रनों का टारगेट क्या पार होगा या फिर लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, ये देखेंगे हम जरूर। लेकिन उससे पहले चलते हैं टॉस बॉक्स की तरफ, इसके बाद का जो मुकाबला खिलाया जाएगा इक्विरा स्पोर्ट्स कैप्टन आइए, उसी तरीके से झुंझार स्पोर्ट्स कोलचित कैप्टन सागर, झुंझार स्पोर्ट्स कैप्टन टॉस के लिए आना है ताबड़तोब, और एकवीरा स्पोर्ट्स केवड़ी, उससे पहले स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया हम यहाँ पर जरूर पूरी करेंगे। हमारे बीच मौजूद हमारे मान्यवर, उनका स्वागत और सत्कार हम यहाँ पर करेंगे जरूर।
माने श्री तानाजी पाटिल हमसे नाना, इनका स्वागत और सत्कार हम जरूर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बॉबी भोईर, आपके शुभ हाथों से यहाँ स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया जरूर पूरी की जाए। बिल्कुल, नाना को देखकर हमें गर्व होता है, इस क्षेत्र में इन्होंने जो नाम कमाया है, बिल्कुल लोगों ने बहुत पैसा कमाया है लेकिन नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल, न्यूजीलैंड में जाकर गोल्ड मेडल इन्होंने जरूर पटकाया, जीता है और इस क्षेत्र का, इस गांव का नाम जरूर रोशन किया है। तो नाना, इसी तरीके से आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और इस गाँव का नाम जरूर रोशन करते रहे। आइए नाना, विराजमान होइए, मैच का लुत्फ उठाइए, इंजॉय करिए। चलिए, झुंझार स्पोर्ट्स टीम कैप्टन सागर कुणाल ऊपर आना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ओमकार, टॉस का ओपिनियन कंप्लीट करना है। झुंझार स्पोर्ट्स टीम कैप्टन आ चुके हैं, एक्विरा टीम कैप्टन भी मेरे ख्याल से यहां पर आ चुके हैं। चलते हैं ओमकार के पास। चलिए अपन टॉस करूया, पुढचा मॅच झुंझार कोशेत आणि त्यांच्या विरुद्ध प्रतिस्पर्धी टीम, ते देखील या ठिकाणी उपस्थित झालेत। माधुआई असं कॉल है आणि चल आपण कॉइन पुन्हा टाकूया, ड्रॉ करूयात, पुन्हा करूयात टॉस, कॅन्सल काही असू द्या, आपण पुन्हा करू टॉस, कारण डायरेक्ट आपल्या मुख्य व्यासपीठाच्या तो खालीच गेला कॉइन स्पिन होत, थोडंसं हस्ती करा काका जेणेकरून टॉस इकडेच होईल। नाणेफेकीचा कौल तो मात्र या ठिकाणी केला जातोय, MCC असा कॉल है आणि MCC चाललाय। तर टॉस जिंकलाय टीम एकविरा ऐरोली क्रिकेट संघानं, 5 षटकांची मॅच है। फर्स्ट ऑफ ऑल या विभागामध्ये कासार वडवली आल्यानंतर कसं वाटतं, कारण इथे क्रिकेट है ते काही जगा वेगळंच असतं, तर काय वाटतं कासार वडवलीच्या स्पर्धेत आल्यानंतर? नाही, खूप सुंदर आयोजन असतं, कारण आम्ही दरवर्षी या संघामध्ये इथं खेळत असतो या टूर्नामेंटमध्ये, आणि त्यांच्या ट्रॉफ्या खूप सुंदर असतात, कारण की आम्ही 2 वेळा इथे फायनल मारलेली आहे, एकदा फायनल मारलेलं आणि एकदा सेकंड मारलेलं आहे, त्याच्यामुळे इथं खेळायला खूप आवडतं आणि आम्ही नाणेफेके जिंकली आम्ही प्रथम क्षेत्ररक्षण करू। 5 षटकांची मॅच समोर झुंझा स्पोर्ट्स कोळशे, त्यांच्या नावातच झुंज आहे, तर एक चांगली झुंज तुम्हाला द्यावी लागेल। काय माइंडसेट आहे पहिल्या इनिंगमध्ये टॉस जिंकल्यानंतर 5 ओव्हरची मॅच कुठपर्यंत थांबवलं जावं कोळशे टीमला? तरी आम्ही त्यांना 40 ते 45 धावांच्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू। या आधी जिंकलात, पुन्हा एकदा तेच स्वप्न घेऊन आलात, ऑल द बेस्ट। आपण कोशेच्या कॅप्टनसोबत जोडले जाऊ। टॉस गमावला, बॅटिंग करायची आहे, 5 षटकांची मॅच आहे, कसं वाटतं कासार वडवलीमध्ये कधीही या ट्रॉफीज म्हणा किंवा स्पर्धा म्हणा, अगदी सगळं काही चर्चेत असतं, तुम्ही कोणत्या दृष्टिकोनानं पाहता या स्पर्धेकडे? फर्स्ट ऑफ ऑल या मॅच टूर्नामेंटच्या ट्रॉफ्या म्हणजे खूप छान असतात, म्हणजे याच्यासाठी खूप एक्साइटेड असतो की ही मॅच कधी असते MCCची, की या ट्रॉफ्या जिंकायसाठी। तर ऑर्गनाईज खूप चांगलं आहे, दरवर्षी मजा येते खेळायला इथे। तर 5 षटकांची मॅच झुंझार कोशेत या नावातली जी झुंज आहे ती पाहायला स्पेशली मला आवडेल, काय म्हणशील आज टीम कॅप्टन संघाला काय मॅसेज देशील? मेसेज एकच आहे की आपला 100% द्यायचं आहे तुम्हाला सगळ्यांना, बाकी काही इश्यू नाही। तर तुम्ही जसं फिट आहात ऑल टीम तसं फिट क्रिकेट खेळ याच अशा अपेक्षा, ऑल द बेस्ट करूया आपण झुंझार कोशेच्या कॅप्टनला। तर टॉस बॉक्समधनं न्यूज अशी आहे, टीम एकविरा ऐरोली त्या संघानं टॉस जिंकलाय आणि निर्णय त्यांनी घेतला फील्ड करण्याचा आणि इन्व्हाइट केलं झुंझार कोशेत या टीमला पहिल्या डावामध्ये बॅटिंग करण्यासाठी। सध्या भव्या वाघबीळ आणि SD केवणी यांच्यामधली मॅच मैदानावरती सुरू आहे। चला आपण जाऊयात कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, सेटून विथस, जोडले रहा GTC सोबत, आपण जाऊया समालोचन कक्षात। तर आपण पुन्हा एकदा मॅचचं जे दुसरं सत्र सुरू होईल ऐकूयात आवाज पुन्हा एकदा शेजार शेख सरांचा, धन्यवाद। यस, चलिए, लक्ष्य का पीछा करना है, टारगेट का पीछा करना है, लक्ष्य रखा गया है इस वक्त 63 रनों का।
नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे नए गेंदबाज आए हैं, गेंदबाज की कमान पर चेतन पाटिल। चेतन पाटिल की पहली गेंद, अक्षय स्ट्राइक पर है, गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑन रीजन में, थोड़ा सा खर्रा फील्डिंग और गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क चार रन के लिए, चौका। अक्षय और कुणाल की जोड़ी सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं, एक तरफ अक्षय जिन्होंने अपना अकाउंट चौके के साथ ओपन किया है तो दूसरी तरफ कुणाल जो अभी भी नॉन स्ट्राइक हैंड पर खड़े हैं। चेतन की अगली गेंद, सामना करने के लिए तैयार अक्षय, इसी बीच ये गेंद, इस बार फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश, एक रन लेना चाह रहे थे लेकिन 38 सर्कल में, यस शॉर्ट मिड ऑन पर मनोज मौजूद थे, मनोज पाटिल गेंद को फील्ड किया, एक रन मिलेगा जरूर, एक रन से ज्यादा, यस सर, रनों के लिए निकलना चाह रहे थे, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। नेक्स्ट बॉल, इस बार प्रहार किया है, गेंद को खेल दिया है डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, अच्छी फील्डिंग है या फिर यहां पर गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क, वहां पर दर्शक हमारे मौजूद हैं। चलिए स्टार्ट द मैच कंटिन्यू, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, भाया ने गेंद को बहुत ही अच्छे तरीके से फील्ड किया, यस नेक्स्ट बॉल, ये अच्छी गेंद थी, बल्ले की जड़ से स्ट्रोक को कन्वर्ट किया है, गेंद आती हुई इस वक्त लॉन्ग ऑन रीजन में, सिंगल रन यहां पर कंप्लीट किया गया, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 6 रनों पर, स्कोरबोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 6 रन, पहला ओवर प्रगति पथ पर है। इसी बीच अगली गेंद, इस बार देखिए विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से नष्ट नाबूद करती हुई गेंद, विकेट का पतंग होता हुआ एक बड़ा स्टार खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की राह लौटता हुआ इस वक्त बल्लेबाज अक्षय, 5 रन का इनका योगदान रहा, गेंदे फेस की लगभग 4 गेंदों में 5 रन जिसमें एक चौका अक्षय ने जरूर जड़ा है, विकेट का हुआ है पतंग, लगता हुआ एसडी स्पोर्ट्स के उन्हीं को ये बड़ा वाला झटका। करना है, आज मैचेस थोड़े लेट ऑन हुए थे इस कारण हमारे पास जो टाइम है वो काफ़ी कम है, लगभग 6 बजे 6:15 बजे तक के सूरज डूब जाता है और इस ग्राउंड को अंधेरा अपने आगोश में ले लेता है, तो हम चाहते हैं कि सभी मैचेस दिन के उजाले में हो, कोई भी टीम को तकलीफ ना हो, इसलिए टाइम लिमिट के अनुसार आपको परफॉर्मेंस करना है। इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला था स्ट्रोक को, बिल्कुल लॉफ्ट करना चाह रहे थे, सिंगल रन के लिए निकले हैं और एक रन यहां पर कंप्लीट किया, इस एक रन के साथ ओवर की भी यह समाप्ति, स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ इस वक्त 7 रन, विकेटों की अगर बात करें तो 1 विकेट के नुकसान के बाद टीम एस डी स्पोर्ट्स केवनी का केवनी दीवा का स्कोर कुछ इस प्रकार का, कमांड डीजे।
चलिए प्लीज फील्डिंग युनिट टीम, देखिए पहली ओवर के लिए आपने जो समय खर्च किया है वो 6 मिनट। नंदू टाइम आपको हर बॉल पे बताया जाएगा, हर ओवर में बताया जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपने पहली ओवर की समाप्ति के लिए 6 मिनट खर्च किए हैं, 20 मिनट में आपको अपनी बची हुई 3 ओवर कंप्लीट करनी है, और नहीं तो फिर आपकी जो 5वीं ओवर रहेगी वो ओवर में एक खिलाड़ी 38 सर्कल में बुलाना होगा। रूल के मुताबिक इस प्रतियोगिता को यहां पर रखा गया है। इस बार देखिए आते ही साथ नंदू पाटिल की गेंद रही लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर की तरफ, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल। अभय मुकादम नो डाउट एक बेहतरीन प्लेयर एंड एक बेहतरीन अंपायर, मेन अंपायर की भूमिका में हम देख सकते हैं उन्हें। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, गेंद हवा में है और चेतन गेंद के नीचे खूबसूरत कैच लगा है, एक और झटका टीम SD स्पोर्ट्स केवनी दीवा को। थैंक यू स्मिथ। देखिए न्यू बैटर है, थोड़ा सा जल्दी जाना है मैच क्योंकि हमें और भी कराने हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टाइम के मामले में आपको भी सहयोग करना है। जिस तरीके से फील्डिंग यूनिट टीम को हम वॉर्न कर रहे हैं, बैटिंग यूनिट टीम SD स्पोर्ट्स आपको भी वॉर्न किया जा रहा है। अगर बैटर आपके आउट हो जाते हैं तो आप अपने बैटर रेडी रखिए, ताबड़तोब आपको ग्राउंड में आउट होने के बाद न्यू बैटर को भेजना है ताबड़तोब। उसके बारे में टाइम आपको जो दिया गया है 30 सेकेंड्स में आपके खिलाड़ी विकेटों के बीच में रहना और परफॉर्मेंस करना जरूरी। नंदू पाटिल एक सफलता जरूर मिली है, पहली गेंद वाइट के रूप में की थी, दूसरी गेंद पर ताबड़तोब विकेट यहां पर हासिल किया, सहयोग मिला, सपोर्ट मिला चेतन पाटिल का, और चेतन ने इस कैच को लपका और विकेट का हुआ है पतंग। न्यू बैटर आए हैं विकेटों के बीच इस वक्त सागर भोईर। सागर भोईर आते ही साथ अपने इरादे दर्शाते हुए गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन रीजन में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। बिल्कुल चेतन थोड़े से फंबल होते हुए नजर आए लेकिन क्या फील्डिंग की है, काबिले तारीफ। बाउंड्री जहां पर कंफर्म थी, कुछ समय के लिए चेतन उड़ता हुआ चेतन नजर आया और गेंद को रोका। DR चषक की पूरी कमेटी आ चुकी है, वेलकम। नेक्स्ट बॉल, इस बार बिग हिट बिग हिट बिग हिट, गेंद जाएगी डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार, यह आता हुआ खनखनीत षटकार 6 रन। पास बॉल को चेक करते हुए, आजकल के जो बॉल्स आ रहे हैं वो पहली ओवर या तीसरी ओवर के बीच में ही इनका कवर और रबड़ थोड़ा सा कट जाता है। यस अंपायर डिसीजन, बॉल अंपायर्स देखकर ही चेक करेंगे, अंपायर का जो निर्णय होगा अंपायर ही यहां पर वो निर्णय ले सकते हैं। यस नए बॉल की डिमांड की है अंपायर ने, 2 ओवर तक के बॉल आपको नया दिया जाएगा, 2 ओवर के बाद अगर बॉल कट जाता है फट जाता है या फूट जाता है तो फिर आपको जूना बॉल दिया जाएगा 2 ओवर के बाद, लेकिन स्टार्टिंग के 2 ओवर में न्यू बॉल, ये इस प्रतियोगिता का नियम है।
इस नियम के अनुसार ही इस टूर्नामेंट को खिलाया जा रहा है। काफी खूबसूरत सा ग्राउंड युगाभाव एमसीसी स्पोर्ट्स का, बिल्कुल देख सकते हैं हम पॉइंट से लेकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग तक के बाउंड्री। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, दिशा से चूकते हुए नजर आए और ये गेंद रही वाइट के रूप में। लक्ष्य काफी बड़ा है, 63 रन बनाने हैं इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। एसडी स्पोर्ट्स मेहनत करती हुई, लेकिन यहां पर वाकबिल की टीम जरूर थोड़ी सी हावी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहली ओवर में चेतन ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। इस बार देखिए खेला है गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, भाया फिर से एक बार बेहतरीन फील्डिंग भाया की, क्या बात है भाया। भाया हो चेतन हो, ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर बॉल इनके रडार में रहा, रेंज में रहा, तो वो 101% बाउंड्री रोकते हैं। उसी तरीके से भाया ने फिर से एक बार डाई लगाकर गेंद को फील्ड किया और भाया भी कुछ समय के लिए उड़ता हुआ नजर आया। बैटिंग से भाया ने आज इंप्रेस नहीं किया दर्शकों को, तो यहां पर फील्डिंग से जरूर इंप्रेस करने की कोशिश करते हुए। इस बार देखिए स्लॉट में गेंद थी, बड़ा हिट लगाने की कोशिश और यह खूबसूरत कैच डीप लॉन्ग ऑन पर। चलिए पार्ट ऑफ द जोक, नेक्स्ट बिग हिट नो डाउट। ये बिग हिट के साथ एसडी स्पोर्ट्स वापसी करती हुई, पलटवार करती हुई, स्कोर 25 रन। इस बार एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, गेंद को खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, केतन वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, सुंदर सत्रो, एक रन। ये ओवर थोड़ा सा महंगा है, इस ओवर में अगर देखा जाए तो दो बड़े हिट, दो सिक्स जरूर देखने मिले हैं। 18 रन का ओवर रहा नंदू पाटिल का। छब्बीस रन स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 26 रन, अब बची हुई 18 गेंदें शेष है और देखते कितने रनों की जरूरत है 18 बॉल में। 37 रनों की जरूरत इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। यस नंदू के ओवर में 19 रन आए थे, 18 नहीं, हमारे संदेश जो कि स्कोरर बताते हुए के एक रन कहां गया। चलिए चेतन अपनी टीम की ओर से आए हैं तीसरा और महत्वपूर्ण ओवर लेकर, यहां से मैच की दशा और दिशा तय होगी कि कौन सी टीम का पल्ला भारी। इसी बीच ये गेंद वेरी फर्स्ट बॉल आड़े बैट से खेला है, गेंद को स्टॉप करने की कोशिश की थी स्क्वायर लेग पर 38 सर्कल में तैनात खिलाड़ी द्वारा, लेकिन जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता आसानी के साथ दो रन पूरे किए, थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई है। यंगस्टर्स से भरी हुई ये टीम है, यंगस्टर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, वाकबिल टीम में आपको हर कैटेगरी के प्लेयर्स मिलेंगे, कम एज से लेकर अनुभवी तलक इस टीम में मौजूद। चेतन फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर, इसी बीच ये गेंद ये फॉलो थ्रू में स्टॉप करने की कोशिश जरूर जारी थी, बिल्कुल अंपायर के शरीर से जा टकराई थी ये गेंद, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव किया था
और जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता सिंगल रन, सिंगल सिंगल से मैच को क्लोज लाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त टीम एसडी स्पोर्ट्स केवड़ी दिवे। फील्डिंग की व्यू रचना पर नजर डालें, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग ऑन उसी तरीके से कॉक कॉर्नर, एक डीप मिड ऑन और एक खिलाड़ी डीप वाइड स्पिन विकेट, इस बार प्रहार किया है, गेंद को आउट ऑफ द पार किया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 6 रन। लो फुल टॉस गेंद को खेल दिया था और गेंद पर मोहर लगी है 6 रन। मैच में अब रोमांच बढ़ता हुआ, 15 गेंदे 28 रनों की जरूरत है। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया है, खेल दिया गेंद को डीप एक्स कवर बाउंड्री के पार, एक और दर्जेदार 4-4। यहां पर कुणाल के ये दो बड़े हिट लगने के बाद टीम की बल्ले बल्ले, 14 गेंदे 24 रन, अब ये मैच अपना रंग और रूप बदलता हुआ, अब काटे की टक्कर, कभी लगता है वाग्बिल टीम का पल्ला भारी तो कभी लगता है केवनी टीम का पल्ला भारी, लेकिन मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगा ये जो मुकाबला है ये लास्ट बॉल तक के जाएगा और ये रहेगा लय भारी। योगा भाव एमसीसी स्पोर्ट्स प्रेजेंट श्रद्धांजलि चषक 2023, भव्य आयोजन भव्य नियोजन, ट्रॉफी देख सकते हैं, ट्रॉफी अगर आप देखें तो ट्रॉफी से आपको प्यार हो जाएगा, इतनी खूबसूरत सी ट्रॉफी, हर क्रिकेटर चाहेगा कि ये ट्रॉफी उनके पास रहे। इस बार फुल टॉस बनाकर खेला था, गेंद को डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार, एक और 4, ओह बैक टू बैक दो गेंदे दो बड़े हिट, 4-4-4। नंदू ने किया, लेकिन चेतन की अगर बात करें एक्सपीरियंस गेंदबाज थे और इंपॉर्टेंट गेंदबाज थे, उन पर रन आ गए, 5 गेंदों में 17 रन अब तक के खर्च कर चुके हैं चेतन। कुणाल नो डाउट बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, इस बार देखिए दिशा से काफी ज्यादा बाहर, इस गेंद को छोड़ दिया ना कि छेड़ा, व्हाइट बॉल का कॉल आया है अंपायर की तरफ से, अतिरिक्त रनों में एक रन जुड़ेगा जरूर। यस, मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ, 13 गेंदे 19 रन, 13-19 का ये मैच, 13 गेंदे 19 रन, ये मुकाबला काटे की टक्कर का है। इस बार वाइडी शॉकर गेंद करने की कोशिश की थी, खराब फील्डिंग रोमित डाके, इस तरीके की इनसे उम्मीद नहीं थी, उस तरीके का यहां पर कार्य कर दिखाया रोमित डाके ने, बिल्कुल 2 रन यहां पर चुराए गए, 2 रन के साथ मैच का इक्वेशन और सिचुएशन चेंज होता हुआ, अब 12 गेंदे बची हैं, जीत के लिए 17 रनों की जरूरत, 12-17 का यह मुकाबला, क्या होगा क्या नहीं देखेंगे हम जरूर। योगा भाऊ एमसीसी स्पोर्ट्स प्रेजेंट श्रद्धांजलि चषक 2023 में, लेकिन एक छोटे से डीजे वाले सुशील
क्या बात है, क्या बात है। 12 गेंदे 17 रन, पहली विकेट जरूर गिरी थी 6 रन पर, दूसरी विकेट का झटका लगा था 8 रन पर, ऐसा लगा कि दबाव बन गया है, प्रेशर बन गया है, लेकिन उसके बाद आए कुणाल, कुणाल और सागर भोयर की जोड़ी विकेटों के बीच में कमाल करती हुई नजर आई, रनों को जोड़ती हुई नजर आई, वेट किया, वॉच किया और हर गेंद पर यहां पर रनों को लूटा है। एसडी स्पोर्ट्स केवनी दीवे भिवंडी से बिलोंग करने वाली ये टीम, और बात करें भव्य 11 वाकबिल तो बिल्कुल बाजू वाला ही गांव, और इस के साथ चलता हुआ इनका मुकाबला जरूर। पहली गेंद फुल टॉस थी, प्रहार कर दिया, गेंद को आउट ऑफ द पार्क कर दिया, 6 रनों के लिए फरार कर दिया, व्हाट अ हिट। एक और बार बड़ा हिट, पुल पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल, 6 रन के लिए। बॉल 3 हिट और टीम एसडी स्पोर्ट्स सुपर डुपर हिट, कॉन्ग्रेचुलेशन।